नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश थर्ड T20 इंटरनेशनल के बारे में। दोस्तों आज यानी 12 अक्टूबर 2024 को खेला जाने वाला है तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। दोस्तों सीरीज की बात करें तो भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। ये तीन T20 इंटरनेशनल मैच सीरीज का पहला दो मैच जीत करके इंडियन क्रिकेट टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है। दोस्तों अब बात करें टॉस, तो टॉस दोस्तों होगा 6:30 बजे, मैच शुरू होगा 7 बजे। प्रसारण की बात करें दोस्तों तो प्रसारण आप देख सकते हैं DD फ्रिडिस सेटअप बॉक्स के माध्यम से DD स्पोर्ट्स चैनल पर। दोस्तों DD स्पोर्ट्स चैनल पर केवल DD फ्रिडिस सेटअप बॉक्स पर ही उपलब्ध रहेगा। अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए आपको स्पोर्ट्स 18+ जो स्पोर्ट्स चैनल है वाईकॉम 18 का, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पेड DTH प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर स्ट्रीमिंग की बात करें दोस्तों तो जियो सिनेमा ऐप के माध्यम से इस मैच का स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। आप जियो सिनेमा ऐप पर इस मैच का प्रसारण बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, तो इस सीरीज में बांग्लादेश पहले दोनों T20 इंटरनेशनल मैच बिल्कुल एक तरफा हारा है, कोई मुकाबला ही नहीं दे पाया है इंडियन क्रिकेट टीम को। तो दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज बांग्लादेश की टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है या भारतीय टीम जैसा कि एक्सपेक्टेड था क्लीन स्वीप। टेस्ट सीरीज में भी 2-0 से बांग्लादेश हारा और अब T20 इंटरनेशनल में भी क्लीन स्वीप का खतरा बांग्लादेश टीम पर मंडरा रहा है। दोस्तों पलड़ा भारत का भारी है और उम्मीद तो यही है कि भारतीय टीम आज का मैच भी बांग्लादेश को एक तरफा हरा करके जीतेगी। दोस्तों आनंद लीजिए, इस मैच का सीधा प्रसारण उपलब्ध हो जाएगा शाम 7 बजे से DD फिटिस के DD स्पोर्ट्स चैनल पर। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।